हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ निदा और आज मैं आप सभी को बताऊंगी डॉपलर स्कैन के बारे में। प्रेगनेंसी में डॉपलर स्कैन यानी कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्यों कराना ज़रूरी है और ये बहुत कम लोगों को पता होगा, तो फ्रेंड्स आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। डॉपलर स्कैन डॉक्टर क्यों बोलते हैं कराने के लिए और क्यों कराना यह ज़रूरी होता है, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डॉपलर स्कैन से क्या पता चलता है कि डॉपलर स्कैन से यह पता चलता है कि आपका बच्चा ठीक है या फिर नहीं। अब क्या होता है, इस जब बच्चा जो होता है उसकी पूरी बॉडी में खून जो होता है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं, उसी के लिए डॉक्टर डॉपलर स्कैन करने के लिए कहते हैं। अब फ्रेंड्स, डॉपलर स्कैन क्या है? तो डॉपलर स्कैन जो है अल्ट्रासाउंड स्कैन की का ही एक प्रकार है, उसी की तरह होता है। डॉपलर स्कैन में शिशु के बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको मापा जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि इसमें आ गए आप शिशु की मस्तिष्क यानी के दिमाग और दिल, इसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक चल रहा है या फिर नहीं, इसी को डॉपलर स्कैन के द्वारा देखा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो बच्चा है, भ्रूण है यानी कि जो पेट में बच्चा है, उसको ऑक्सीजन ठीक से मिल पा रही है या फिर नहीं, इसके लिए डॉपलर स्कैन किया जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि जो बच्चा है, भ्रूण है, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से मिल रही है या नहीं और बच्चे को सभी पोषक तत्व ठीक से मिल रहे हैं या नहीं, यह डॉपलर स्कैन से पता लगाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो डॉपलर स्कैन किया जाता है इससे पता लगाया जाता है कि बच्चे का विकास ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं, यानी कि बच्चा ठीक तरीके से ग्रो कर रहा है या फिर नहीं, इसमें पता लग जाता है। इसके अलावा यह जांच कब की जाती है, ये क्वेश्चन सभी के मन में आ सकता है। तो ये जो स्कैन किया जाता है, यह जाँच गर्भ के 36वें वीक से लेकर 40वें वीक के बीच में की जाती है, यानी कि जब आपका डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है उससे पहले ये जांच की जाती है, यानी कि 8वें महीने में आपकी ये जांच की जाती है। इसके अलावा अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर क्यों डॉपलर स्कैन के लिए बोलती हैं, क्या ज़रूरी है? तो हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि डॉपलर स्कैन में अगर डॉक्टर को लगता है आपका BMI बहुत ज़्यादा कम है तो डॉक्टर आपको डॉपलर स्कैन के लिए ज़रूर बोलेंगे। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, आपका अगर बहुत ज़्यादा कम है तो डॉपलर स्कैन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तब भी आपको डॉपलर स्कैन के लिए बोला जाता है। इसके अलावा नंबर 3, जैसे कि अगर आपका जो बच्चा है वो ठीक से बढ़ नहीं रहा है यानी कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो पा रही है तब भी डॉक्टर आपको डॉपलर स्कैन के लिए बोलती हैं। तो फ्रेंड्स, डॉपलर स्कैन कराना ज़रूरी है, इसको टाल मटोल ना करें और इसको ज़रूर कराएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, निदा हेल्थ केयर। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।